पड़ी है। तो मैं भी तुझे ही आ कहना, मैं कुछ पश्तो मारी है। तो कह रहा था वो ऊपर देख रहे बर्फ के पहाड़ तो तेरे भी चले हैं, सर्दी लग रही है, ये सर्दी लग रही है, इसको सर्दी लग रही है, हवा आएगी तो पता ना ले आवा है, पता नहीं कितों उठ के आ गए हो, मां समझ नहीं लग रही तुझे कितने गए हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो कैसे हैं आप? आप सब लोगों को जी सबसे पहले तो रमजान मुबारक, ठीक है, रमजान जा रहा है जी हमारी तरफ से आप लोगों को जी। अच्छा जी, तो आज हम लोगों का जी ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल ब्लॉग, क्यों स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जी सारे दोस्त, कमीने दोस्त जा रहे हैं किधर, अफ्तारी करने। अफ्तारी, अच्छा इनका व्यूअर्स इनका मसला है, इन जैसे घरदारों का मसला है, हम लोगों को ब्लॉग नहीं बनाने देना, लेकिन आप लोगों को कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इशारा रुका हुआ है, आसपास के लोग थोड़े ना वो करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब हमने मशहूर हो जाना है ना, तो इन लोगों ने हमें कहना करना है कि यार कुछ टाइम निकालो ना, तो लेकिन आप उस वक्त वो वक्त अनकरीब करीब है, वो करीब पड़ता है। बाकी सर जाम किधर रहे हैं हम आपको बाद में बताएंगे, जाम बहुत दूर रहे, जाम बहुत दूर रहे, ठीक है। बाकी फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट, अभी इन लोगों को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, दस प्याज अभी हम इनकी इनकी बातें आपको सुनाते हैं। दो प्याजा में दस प्याज काफी है, ठीक है, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ दस प्याज डाल लेते हैं और दो बोलिया बीफ की डाल लेते हैं, बस काफी। अच्छा, हाँ, और टमाटर, टमाटर मैं तो कहता हूँ टमाटर रहने देते हैं, टमाटर बहुत महंगे महंगे ऊपर से एसी भी फुल कर दिया, वो खर्चा भी पड़ेगा, तो टमाटर महंगी चीज हमें अच्छी नहीं लगती। मर्चा तू ला लिया ना, तू नहीं लाया और मर्चा तू ला लिया, तो तेरा साड़ी की लोड है अफ्तारी के लिए, केले लिए अफ्तारी के लिए, केले केले ले लिए, केलों का मौसम नहीं है यार, बेमौसमी फल नहीं खाना अभी, हम लेंगे खरबूजा लेंगे, तरबूज लेंगे और शड़ाप शड़ाप कर सर लेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी निकाल लेंगे इस पे स्पेशल फोकस फोकस। अच्छा इसे इधर कैमरा जाते चुप कर जाते ही। चले व्यूअर्स, आप व्यूअर्स आपने इनकी ना सुन ली होंगी, बस चल इनकी थोड़ी सी होती है, बोलती बंद हो जाती है, अभी हो गई है चुप करके, देखें यार अभी तो स्टार्ट हो गया यार, अभी बात स्टार्ट करते हैं यार, अभी तो बाकी जी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट, है ना, अभी तो तो सीन ये है जी, हम जा रहे हैं आज अफ्तारी पे, किधर जा रहे हैं, एबटाबाद हरनोई, एबटाबाद हरनोई, या हरनोई लगता जगह है, एबटाबाद के हम इनवाइटेड हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से इनवाइटेड हैं, वकार भाई का प्लान था ये, मैनेजमेंट के बंदे थे, किधर आ रहा है, तो अभी हम सामान वगैरह लेके अफ्तारी मतलब अपना करेंगे सारा सीन, बाहर का खाना हम नहीं खाते, बाहर का खाना हम नहीं खाते, तो सारा हमने सामान वगैरह ले लिया, तो सामान उधर जाके बताएंगे। अभी हम टैक्सला से निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट हमें घंटा और लग जाएगा, घंटा डेढ़ लग जाएगा, और उधर जाके अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर रात को ही वापस आना भी है, तो आगे चलते हैं। ये नुकसान हो गया पहले, ये बंदे ने प्याज लिए हैं 30 रुपए के, तो प्याज उधर से भूल गया उधर ही यार, असल मकसद बोनी कराना था, प्याज भूल गया, दे दिए प्याज भूल गया, मैं कह यार तू 30 रुपए प्याज ही ला ले, मैं को ना बुलाई, तो अभी चलते हैं आगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो दिखाते हैं। अच्छा यार ये है ना, क्या नाम है, ताहिर भाई हमारे, इनके पास कुछ पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए, बताओ तुम्हारे है ना, आप बोलो, मैं आप बताओ, अच्छा यार तुम्हारे फैन है, तुम्हारे चलो यार ये हमारे साथ क्या प्रैंक हो गया, अभी हम रुके थे कि प्याज ले लें, लेकिन ये प्याज है ना प्याज के ऊपर प्याज किधर लेके बैठा हुआ है यार।
प्याज के ऊपर कौन बैठा हुआ सही से? मैं नहीं बैठा हुआ, तू बैठा किधर है? प्याज किधर है अभी? ये प्याज पड़े हैं, फिर नजर आ रहे हैं प्याज, ये नजर आ गई है ना, चल उठा ले अभी नमाज पढ़ लेते हैं ना जिगर, थोड़ा सा आगे चला जाओ, चलो आगे चलते हैं नमाज पढ़ते हैं फिर, और अभी रास्ता बहुत रहता है। प्याज किधर था? और प्याज वकार के पास। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जो पहुंचे हैं ये नई जरसलड़ कुनाम अहमदाबाद का अवेलिया का है, अवेलिया का एरिया कह रहे हैं, तो हम लोगों ने जाना है अरनोई, और अरनोई जहाँ से कितने किलोमीटर है जी? एक घंटा, सॉरी कह रहे हैं कि एक घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा अरनोई जाने में, और टाइम अभी क्या हो गया वकार? छः बज गए, 40 मिनट अफतारी होने में, और एक घंटा लगेगा हमें अरनोई पहुँचने में, लगे इनशाला हम ट्राई करते हैं पहुँचे, और बाकी अभी हम लोग ने इधर नमाज पढ़ी है, 40 मिनट रह गए अफतार का, तो मैं भी तुझे ही कहना, मैं कुछ पश्तो मारी है, तो कह रहा पहुँच जाएंगे इनशाला, पहुँच जाएंगे ना, तो बाकी जी देखते हैं पहुँचते हैं फिर आप मिलते हैं। अभी हम तकरीबन 8 किलोमीटर दूर हैं, और 8 किलोमीटर तकरीबन 13 मिनट जो है ना मैप टाइम बता रहा है 13 मिनट लगेंगे, और रोज़ा अफ्तार होने में आई थिंक 13 मिनट ही बाकी है, तो तला भाई कोशिश जारी है कि हम टाइम से पहले पहुँचें, लेकिन लग रहा है कि गाड़ी में ही अफ्तारी करनी पड़ेगी, टाइम रह गया देख ले भाई, अफ्तारी गाड़ी में कर लें तो बेहतर है कि जन्नत में ना करनी पड़ जाए। 13 मिनट हो गए हैं, 6.1 किलोमीटर बाकी है, चलो देखते हैं हमारा मिशन कंप्लीट होता है कि नहीं। ध्यान से तला, ध्यान से, जंगल की सीन बहुत ही आला सीन से, माशाल्लाह वो ऊपर देख रहे हैं बर्फ के पहाड़, वो बर्फ ही है लेकिन हमें बादल लाग रहे हैं, ये पागल है इनको बादल लाग रहे हैं यार, डेस्टिनेशन पे तकरीबन पहुंच गए हैं, ये नीचे रुक के हम अफ्तारी करेंगे यार, शुगर में लग गया ना, ठंड है भाई, ठंड है यार, मैं तो जैकेट ही नहीं लाया, मेरी वेस्ट कोट भी निकालो, यार बिल्कुल टाइम हो चुका है, बंदे जो है हमारे पहुंच ही नहीं रहे, आई थिंक अफ्तार नहीं हुई अभी तक, ये हमारा बंदा भागता हुआ आ रहा है, रोजे नहीं खुले अभी, खुल गया यार, उसे बोल जल्दी से। अच्छा जी, तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे अफ्तारी के टाइम पे, सिर्फ ये है कि सेटअप रेडी नहीं हुआ था, बाकी अफ्तारी के टाइम पे पहुंचा ही दिया, क्यों जी पहुंचा दिया ना अफ्तारी के टाइम पे, अफ्तारी हो चुकी है, प्रॉपर शुरू करो, तो बाकी अफ्तारी आज हमने जो ना इसके साथ अफ्तारी की है, नहीं प्याज गाड़ी में वो ले आते हैं ना गाड़ी में, अभी पहले अफ्तारी खा लें फिर अभी अफ्तारी के साथ दोनों प्याज खाने, यार ये चीजें साथ में वो रखते हैं ना, रखते हैं यार, अभी कुछ खा तो ले, सबर तो कर, हैं भी और आप लोगों ने अफ्तारी करनी है हमारे साथ तो बिस्मिल्लाह करें, बाकी मिलते हैं आपको अफ्तारी के बाद, और फिलहाल अभी हमारे अफ्तारी जल्दी चल रही है, बाकी हमारी ये सारी चीज़ें ना अलग पड़ी हैं, और बाकी ये कुछ व्यू ऐसा है इस टाइम का, ये इस टाइम हम मौजूद हैं जी हरनोई अहमदाबाद में, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह और बहुत ही प्यारी है, ये आप सारा व्यू चेक कर लें, और ये हमारे मोइज़ भाई सुनाए उधर बारबेक्यू हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, साथ से दरिया बह रहा है, साथ बैठ के अफ्तारी हो रही है, मेरा पानी पिला दो, और वो व्यू बहुत कमाल है, पानी जूस सब कुछ निकाल ना भाई, मेरा भी सामान ये सारा पड़ा है, अभी जी फिर हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी करने करते क्या करते हैं, अफ्तारी खाते पीते हैं, कुछ पेट बिल्कुल खाली है, अभी खाने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट, ये निकाल बाकी सामान अभी निकाल रहे हैं जी, सॉरी व्यूअर्स अभी हम लोग यही सेटल हो ही नहीं सके, तो अफ्तारी होगी है, बाकी हम अब आपको मिलते हैं अफ्तारी के बाद, हम आगे हमारा प्लान है कि खुद पकाना है हमने गोश्त वगैरह सब कुछ, शॉपर में मिलते हैं आपको, अच्छा अफ्तारी जो है ना दरमियान में ऑलमोस्ट पहुंच गई है,
तो हम लोग अभी खा रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, क्या करो इसने आना नमक को इसको नमक लगा खाता यार, जैका तो होता नहीं इसका, जैका ही नहीं आ रहा, नमक लगा खाता पैर है कसम है सारी। और मैं किया का मेरे व्यूअर्स ना सुन रहे होते ना, मेरे व्यूअर्स ना सुन रहे होते तो अभी भरोसा नहीं था मेरा वैसे। बाकी चौधरी वैसे तूने तो कहा था मैं थोड़ा सा खाऊंगा, तू तो छिको छिक इतने रखना है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये कोई हाल है, पीछे व्यू दिखा, ये कोई हाल है, व्यू कौन सा, ये जी व्यू व्यू तो चेक करें जी, माशाल्लाह ओए होए होए चेक कर यार क्या कमाल का व्यू, और ये चेक करो आप, मुझे तो ये जेलसी हो रही है। बाकी हमने पिक्चर नहीं बनाई यार, बाकी बता चलो बना। अच्छा भाई जान, आप क्या खाना पसंद करोगे आप? मैं तरबूज। आप तरबूज फिलहाल उसके बाद भी चलें जी, हम तरबूज देखें, आज पानी में तरबूज लगे हुए हैं, हम वो लेके आएंगे। ए बिस्मिल्लाह, ये रहा जी हमारा तरबूज माशाल्लाह। नमाज हमने पढ़ चुके हैं ठीक है, बाकी इधर अभी लग रही है हम लोगों को ठंड, जिन जो जो लोग आए थे ना कि अच्छा पहले जी नजब लोग आए थे कि हम इधर आके नहाएंगे, और इधर वैसे ना नहाने के बगैर नहाने के भी हमें ठंड लग रही है, ठंडी यख हवा है बिल्कुल भाई, फुल सर्दियों वाले वाइब्स आ रही हैं। बाकी इफ्तारी हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बना रहे हैं बीफ टिक्का हमारे कुक। हाँ जी जी है, कोई सेब पकड़ा हो। ओ एक में रुकी, अभी ना करी, अभी ना चलाता यार। स्लोमो एक चला जी, अभी फिर हमारा चूल्हा चल पड़ा, दोबारा बंद कर चूल्हा, अभी चलाने की स्लोमो बना रहे हैं यार। ये हमारे बदे को सर्दी लग रही है, ये हमारा कुक लग रही है, इसको सर्दी लग रही है, हवा आएगी तो पकेगा नहीं, ओए बीफ खाना नहीं, इस बंदे को लग रही है सर्दी, जरा मुझे सर्दी लग रही है, ये टाइ ऊपर ले रहा है, ये हवा इतनी तेज है, ऐसा लेवल किसी का है तो बताओ। जाना रोटी लेने भी। अच्छा यार सीन ये है कि बिल्कुल रात हो चुकी है, और खाना शाना अफ्तारी पूरी की है, नमाज पढ़ी है, और अभी खाना हमने खाना है, खाने के लिए हम दोनों आ रहे हैं जी रोटियां लेने। खाना हमने गोश्त वगैरह बॉयल करके घर से निकले थे, बॉयल्ड गोश्त पड़ा है, अभी उसको तड़का वगैरह लगाएंगे, और ग्रेवी जिसको कहते हैं हम ग्रेवी बनाएंगे, और फिर खाना खाएंगे। बाकी थोड़ा सा बस जो लेट हुए हैं ना वो सीन ख़राब हुआ, बाकी बेहतरीन मज़ेदार टूर था। क्यों था यार भाई, कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा रहा यार। अच्छा रहा, अच्छा लगा, इंजॉय कर रहे हो? इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या रहे थे? मैं नहीं जाता, बस उस टाइम पे थोड़ा सा ना वो रोज़े की आखिरी टाइम था तो उस टाइम दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इधर आके तो हमारा प्लान ये था कि हम नहाएंगे, नहाने के प्लान के लिए आए थे। रोटियां लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, आप देखना इनका रिएक्शन था लाखा स्पेशली। क्या इतना कुछ देर लगाता है यार? क्या इतनी देर को लगाता है? जितनी तुम लोग, मैं पत्नी किधर गए हो, समझ नहीं लगती तुम लोगों की, घंटा हो गया इधर हम लोग तैयार बैठे हैं कि वो आए और हम लोग खाएं। हैं? हाँ। तुझे पता है हम कितना भागते रहे हैं? तो अल्लाह ने ना लाया हुआ, पता नहीं कितना उठ के आ गए हो, माँ समझ नहीं लगनी तुझे कितने गए हो, है कोई गल करने वाली? जी हमारा खाना तैयार हो चुका है माशाल्लाह, चेक करें वकार भाई हमारे कुक हैं, बेहतरीन कुक हैं। ये लो तायर क्या कहता था, और नीचे गिराई जा रहा है, तायर क्या कहता है मना कर दे कसम से यार, मना कर दे, तायर कहता है नहीं यार उन्हें मना कर दे मैं नहीं जाता। तो माशाल्लाह से चेक करते हैं हम, क्या आवाज है, बा खा गए अच्छा अभी हम लगाने लगे और रोटी खाते हैं, वो नींबू उसके बाद फिर नींबू डाल दी, देखिए नेट नहीं मिला, ये ठीक आ रहा है, आ रहे हैं हम दोनों, मोइस हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा जी तो खाना हम खा चुके हैं, फुल हो चुके हैं, अभी बस ये लगा रहे हैं ना नेट में,
बर्तन वगैरह वाश करेंगे इधर ही, जो कचरा में किया जी कचरा किया वो हम सामान वगैरह उठाएंगे सफाई करते हैं ठीक है, कुछ भी इधर छोड़ के नहीं जाएंगे। सफाई करने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं वापसी के लिए, क्योंकि इधर आसपास कोई भी बंदा नहीं रहा, सारे चले गए, सिर्फ हम रह गए और हम लोग थोड़ा बहुत डर रहे हैं, डर रहे हैं। मोबाइल कहाँ जेब में पाया मैंने, मोबाइल कहाँ जेब में पाया, जेब में डालना होता है। दूसरा जो खराब मोबाइल है वो अपने सामने रख लिया, और ये वाला मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। अच्छा लेकिन खैर जो भी है जी, उम्मीद है आज के व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।